गीडा थाना क्षेत्र के गाहाशान रेलवे पुल के पास मंगलवार की रात करीब 10 बजे घात लगाकर बैठे बदमाशों ने क्लिनिक के कर्मचारी ओंकार उपाध्याय का भेजा गोली से उड़ा दिया। मौके पर हेलमेट गिरा था और सिर मांस के लोथड़े में बदल गया था। हत्या की खबर पाते ही घरवाले और पुलिस मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई लेकिन हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। बुधवार को एसएसपी जोगिंदर कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का जायजा लिया। वहीं ओंकार के भाई ने किसी से दुश्मनी से इनकार किया है। मोबाइल और कागजात से ओंकार की शिनाख्त की गई। आपको बता दें, संत कबीर नगर के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर मोहन झा गीडा सेक्टर 23 में रहते हैं। वो अपने आवास में ही क्लिनिक चलाते हैं। लंबे समय से क्लिनिक का काम चिलुआ ताल के मोहम्मदपुर निवासी रामनवल उपाध्याय के पुत्र ओमकार उपाध्याय देखा करते थे। रोज की तरह क्लिनिक का काम निपटाकर ओमकार बाइक से घर चले गए थे। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि ओमकार 7 बजे के करीब घर पहुंचने के बाद कुछ दोस्तों को दावत देने की बात कहते हुए चले गए। पत्नी से बोले थे कि खाना बनाओ, मैं दोस्तों को लेकर आता हूं। इसके बाद वह सहजनवा आए और लौटते समय बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस हत्या की वजह की पड़ताल कर रही है। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि पुलिस टीमें लगी हैं, जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, ये क्या नदी है क्या? हाँ सर, कौन सी नदी है? बस बस सर, हम तो चले गई फिर आप उसमें ना सर मैं सचा ओंकारनाथ उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति की एक डेड बॉडी है जिसके सिर के पिछले हिस्से में काफ़ी तेज प्रहार किया गया था और मौके पर काफ़ी खून बिखरा हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई कराई जा रही है और मुकदमा दर्ज कर घटना के अनावरण और अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। सर, कहाँ का जाने वाला था ये? चिलुआ ताल थाने के अंतर्गत मोहम्मदपुर माफी गाँव के रहने वाले थे और कल रात अपने घर से किसी को रिसीव करने की बात को लेकर घर से निकले थे लेकिन घर वापस नहीं लौटे और डेड बॉडी रेल लाइन के किनारे कच्चे रास्ते पर मिली थी। अब कुछ व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और कुछ लीड है। उम्मीद है हम लोगों को कि जल्दी ही घटना का अनावरण हम लोग कर लेंगे।